तो एवरीवन, कैसे हैं गाइस आप सब लोग? सो गाइस, आज हम सेकंड पार्ट अपनी रॉकेट रिवीजन का करने वाले हैं। चैप्टर जो हम कवर करेंगे गाइस, चैप्टर होगा अकाउंट्स ऑफ कंपनी। तो गाइस, दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ये चैप्टर जो है ये भी सीए सीएस सीएमए स्टूडेंट सबके लिए होगा। सो गाइस, देखते हैं सबसे पहला जो हम सेक्शन कवर करने वाले हैं वो कौन सा है। गाइस, इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो इस वीडियो में मैं स्लाइड्स यूज़ कर रहा हूं, अगर आपको इस स्लाइड्स ये वाली स्लाइड्स भी चाहिए तो मेरे को कोई इशू नहीं है आपके साथ शेयर करने के लिए। अगर आपको कुछ भी बेनिफिट इनसे मिलता है तो गाइस, ये मेरा प्लेजर होगा कि आप इससे बेनिफिट लें। तो इसके लिए गाइस क्या करना होगा, आपको नीचे कमेंट पे अपनी सिर्फ मेल आईडी यू नो कमेंट में मेंशन करनी होगी, और थ्रू मेल आपको ये आपकी मेल आईडी पे आपको ये सारी जो स्लाइड्स हैं ये मिल जाएंगी आपको। तो गाइस देखते हैं, सबसे पहला जो हम सेक्शन कवर करने वाले हैं डेट इज़ सेक्शन नंबर 128। गाइस, जो हमने डिविडेंड चैप्टर ख़त्म करा था उसको हमने 127 सेक्शन पर ख़त्म करा था। 123 से 127 सेक्शन हमने डिविडेंड में देखे थे। तो 127 के बाद हमें सीरीज़ में चल रहे हैं, तो 127 के बाद आता है सेक्शन नंबर 128। तो गाइस, सेक्शन नंबर 128 बात करता है बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए। जो पहला पॉइंट वो कवर करता है गाइस, मैनर और प्लेस ऑफ मेंटेनेंस। तो सबसे पहले मैनर में वो बताता है कि बुक शैल बी मेंटेन्ड ऑन फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होंगी। फिर सेकंड पॉइंट में गाइस वो बताता है कि बुक शैल रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर थर्ड पॉइंट में गाइस हमें बताता है कि बुक्स जो है ना वो एक्रूअल बेसिस पे बननी चाहिए। फिर फोर्थ और लास्ट पॉइंट में गाइस हमें वो बोलता है कि बुक्स जो है ना वो डबल एंट्री सिस्टम पर होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने मैनर ख़त्म करा। मैनर में क्या चार पॉइंट थे एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहला, बुक्स हर साल बननी चाहिए, ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, डबल एंट्री पे होनी चाहिए, और यू नो एक्रूअल बेसिस पर होनी चाहिए। तो ये चार पॉइंट हमने देखे गाइस मैनर में। अब बात करते हैं प्लेस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बुक शैल बी मेंटेन्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। फिर एक्सेप्शन आती है इसकी, डायरेक्टर्स इफ़ द कंपनी वांट्स टू यू नो टू मेंटेन बुक्स एट एनी अदर प्लेस अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस, देन द डायरेक्टर्स हैज़ टू फाइल अ नोटिस within 7 days from the decision taken that the book shall be maintained at the other places to the registrar, incorporating therein the detailed address at which the book shall be maintained. तो गाइस, डायरेक्टर को क्या करना होगा, डायरेक्टर्स को क्या करना होगा, एक रजिस्ट्रार के पास एक नोटिस सबमिट करवाना होगा जिसमें वो पूरी डिटेल देगा कि हम अपनी बुक्स यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं, और वो पर्टिकुलर नोटिस जो डिसीजन लिया है कंपनी ने कि बुक्स वहाँ पर रखेंगे, जिस डेट को डिसीजन लिया है उसके 7 दिन के अंदर अंदर ना गाइस वो नोटिस सबमिट करवाना होगा। तो इसी के साथ गाइस हमने ये दोनों पॉइंट ख़त्म करे, मैनर एंड प्लेस ऑफ मेंटेनेंस। उसके बाद गाइस हम आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ बुक्स। गाइस, ये एक ऑप्शन दिया गया है कंपनी को कि इफ़ कंपनी वांट्स देन दैट द पर्टिकुलर कंपनी मे प्रिपेयर इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक बेसिस। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने अकाउंट्स बना सकती है। गाइस, पिक्टोग्राफी के ऊपर एक बार प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, पिक्टोग्राफी को आपको ऐसे यूज़ करना है कि आपको ये पिक्चर जो है आपके दिमाग में बैठ जाए। तो इसीलिए मैंने हर जो स्लाइड यूज़ करी है उसमें एक पर्टिकुलर यू नो पिक्चर इंसर्ट करी है, और वो बिल्कुल उसी से रिलेटेड होगी उस पर्टिकुलर स्लाइड से। तो कोशिश करिएगा गाइस ये पिक्चर आपके बिल्कुल माइंड में यू नो बैठ जाए एक बार। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको स्लाइड्स भी चाहिए होंगी ना तो स्लाइड्स भी आप मेरे से ले सकते हैं। उसके लिए आपको एक ही काम करना होगा, सिर्फ ईमेल आईडी आपको कमेंट सेक्शन में नीचे मेरे को देनी होगी। फिर उसके बाद गाइस हम इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ बुक्स में देखने वाले हैं, इसके लिए कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है कि जो बुक्स हैं ना वो असेसेबल इन इंडिया होनी चाहिए, ताकि मतलब इसका मतलब कि इंडिया में वो देखी जा सकें। फिर सेकंड पॉइंट कहता है कि जो बुक्स हमने जो मेंटेन कर रहे हैं ना, इट शुड बी रिटेन्ड इन ओरिजिनल फॉर्मेट इन विच इट वॉज सेंट और रिसीव्ड। जो बुक्स हम मेंटेन कर रहे हैं वो ओरिजिनल फॉर्मेट में होनी चाहिए, ओरिजिनल फॉर्मेट में होनी चाहिए, उसमें कोई ऑल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट में वो कहता है गाइस, द बुक्स विच वी हैव रिसीव फ्रॉम द ब्रांच ऑफिस शैल नॉट बी ऑल्टर्ड। तो जो ब्रांच ऑफिस से हमारे को बुक्स मिलती हैं, जो बुक्स हमारे पास आई हैं, वो भी अनऑल्टर्ड होनी चाहिए। यानी दोनों पॉइंट में ओरिजिनलिटी की बात करता है वो। पहले पॉइंट में उसने बोला कि इंडिया में असेसेबल होने चाहिए, फिर वो जो सेकंड और थर्ड पॉइंट में बोलता है ओरिजिनल की बात करता है। पहले पॉइंट में वो बोलता है कि जो रिटेन कर रहे हैं हम बुक्स वो ओरिजिनल होनी चाहिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट में बोलता है कि जो ब्रांच से बुक्स आई हैं हमारे पास रजिस्टर्ड ऑफिस पर वो भी अनऑल्टर्ड होनी चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट में गाइस हमारे को बोलता है कि जो सिस्टम है ना जो बुक्स को मेंटेन करने का, इट
should be a लेजिबल फॉर्म एंड द सिस्टम फॉर प्रिंट आउट एंड फॉर रिट्रीवल सिस्टम. गाइस क्या कह रहा है ये कि जो लेजिबल इन लेजिबल फॉर्मेट का क्या मतलब है कि जो अक्षर हैं जो अल्फ़ाबेट्स हैं ना बुक्स के वो इतने रीजनेबल उसका फ़ॉन्ट साइज़ कम से कम इतना होना चाहिए कि वो यू नो ईजिली देखा जा सके. फिर सेकेंड में वो कहता है कि एक प्रॉपर प्रिंट आउट सिस्टम होना चाहिए. गाइस ऑडिट ट्रेल पता है ना, ऑडिट ट्रेल में ऑडिटर को यू नो प्रिंट आउट चाहिए होते हैं सॉफ्टवेयर में से. जैसे टैली तो कईयों ने यूज़ करा होगा, उसमें हम क्या करते हैं एक्सपोर्ट कर करके मतलब एक्सपोर्ट कर करके सॉफ्ट कॉपी भी ले लेते हैं और हम हार्ड कॉपी भी वहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं. तो गाइस उसको हम प्रिंट आउट ले सकें. फिर तीसरी बात वो कहता है जो रिट्रीवल सिस्टम है यानी कि एक्सपोर्ट जो एक्सपोर्ट का सिस्टम है, जैसे हम वहाँ से टैली से ना कोई भी लेजर को अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं एक्सेल में तो ईजिली हो जाना चाहिए. फिर वो गाइस आगे क्या कहता है कि अगर बुक्स क्लाउड सिस्टम पर मेंटेन है ना तो उस केस में उसको क्या करना पड़ेगा, कंपनी को रेगुलरली जो है ईयरली जब वो एनुअल रिटर्न अपनी फाइल करेगी कंपनी उसके साथ साथ वो ये पर्टिकुलर डिटेल्स देगी. क्या डिटेल्स होगी, एड्रेस गिवन बाय द यू नो सर्विस प्रोवाइडर. जो अगर बुक्स क्लाउड पर मेंटेन है ना तो क्लाउड पर मेंटेन उस केस में जो पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर ने जो एड्रेस दिया है वो एड्रेस देना होगा कंपनी को लिखकर. सेकंड थिंग क्या देना होगा, आईपी एड्रेस यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस. फिर वहाँ पर उसको ये बताना होगा कि ये बुक्स जो क्लाउड पर मेंटेन है किस पर्टिकुलर कंट्री में मेंटेन है. तो ये चीज़ें बतानी होंगी गाइस उसको. और इसी के साथ गाइस हमारा ये वाला इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ बुक्स वाला पॉइंट जो है हमारा ख़त्म होता है. नाउ मूविंग ऑन टू बुक्स ऑफ ब्रांच ऑफिस. तो ब्रांच ऑफिस के लिए कहता है गाइस कि जो ब्रांच ऑफिस से बुक्स है ना वो रेगुलर इंटरवल पर हेड ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस पर आ जानी चाहिए. या तो रजिस्टर्ड ऑफिस पर या जहाँ अलग कोई जगह जो हमने देखी थी वो 7 दिन का नोटिस देना पड़ता था, उस केस में जहाँ वो अलग जगह कोई देखी है तो वहाँ पर बुक्स जो हैं ब्रांच ही आनी चाहिए. फिर फोर्थ पॉइंट में कहता है गाइस कि पर्सन हु कैन इंस्पेक्ट, जो बुक्स ऑफ मेंटेनेंस को इंस्पेक्शन कौन कर सकता है. गाइस ये देख रहे हैं ना जो ये मैग्नीफायर लेके खड़ा हुआ है बंदा, ये कौन है बताइए, मेंबर है या डायरेक्टर है. तो गाइस ये मेंबर नहीं हो सकता. तो ये पर्सन कौन होता है, डायरेक्टर होता है गाइस. ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जो बंदे जो द कंसर्न पर्सन हैज़ द अथॉरिटी टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट इज ऑफ डायरेक्टर ओनली एंड मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट. ठीक है गाइस, तो उस केस में वो पहला पॉइंट हमारे को यही बताता है कि डायरेक्टर के पास सोल अथॉरिटी है, वो बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं. फिर दूसरे पॉइंट में वो कहता है गाइस कि जो उसने हमें ब्रांच वाले पॉइंट में बताया था ना कि जो बुक्स हैं वो ब्रांच से रेगुलर इंटरवल पर समराइज रिटर्न्स जो हैं ब्रांचेस की वो जो, देखिए मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, जो ब्रांचेस के यहाँ पे डिटेल्स बुक मेंटेन होती है ना उसका एक समराइज पोर्शन समराइज वे में वो रेगुलर इंटरवल पर जैसे कि क्वार्टरली हमारे को हेड ऑफिस पर भेजती रहती है, रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर अदर प्लेस जहाँ पर बुक्स मेंटेन हो रही हैं वहाँ पर भेजती रहती है. तो डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं, उस जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से आई है उसको देख सकते हैं ईजिली. फिर सेकंड पॉइंट में वो गाइस कहता है इन केस ऑफ सब्सिडरी की अगर बुक्स डायरेक्टर्स को देखनी है तो उसके लिए गाइस पहले सबसे उसको जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उससे परमिशन लेनी होगी. ठीक है, थर्ड पॉइंट में वो कहता है कि अगर कोई सब्सिडरी आउटसाइड इंडिया मेंटेन है उसके रिगार्डिंग अगर कोई इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर को चाहिए वो और वो ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो समराइज रिटर्न वहाँ से आई है उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन में वो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्या गाइस डायरेक्टर क्या करेगा, जो पर्टिकुलर डायरेक्टर कंपनी को एक रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए और इतने पर्टिकुलर पीरियड की मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो उसमें लिख कर देगा. कंपनी कोशिश करेगी उसको 15 दिन में, कोशिश क्या गाइस लिखा हुआ है कि 15 दिन में कंपनी उसको बुक्स जो है फॉरवर्ड करेगी. फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है गाइस कि जो बुक्स इंस्पेक्ट करने की जो अथॉरिटी है वो सिर्फ डायरेक्टर की सोल अथॉरिटी है, वो किसी अपने पावर ऑफ अटर्नी या किसी रिप्रेजेंटेटिव का यूज़ नहीं कर सकता. यानी कि अगर डायरेक्टर अपने सीईओ को भेजकर वो बुक्स क्या इंस्पेक्ट करवा सकता है, नहीं करवा सकता क्योंकि साफ जो हमारे रूल्स में लिखा हुआ है कि जो डायरेक्टर है ही इज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एनी रिप्रेजेंटेटिव इज़ नॉट अलाउड टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट. तो गाइस इसी के साथ हमने ये वाला पॉइंट भी ख़त्म करा. नाउ मूव ऑन टू पीरियड ऑफ मेंटेनेंस. तो गाइस बुक्स कितने साल के लिए मेंटेन होनी चाहिए, 8 years फ्रॉम द यू नो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. जिस साल बुक्स मेंटेन हुई हैं उसके अगले 8 सालों तक बुक्स हमें मेंटेन करनी होती है.
फिर नेक्स्ट पॉइंट में वो कहता है गाइस कि अगर कोई हमारी इन्वेस्टिगेशन या कुछ भी चल रही है तो जितना पीरियड सेंट्रल गवर्नमेंट ने या जिस जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है उसने बोला है उतने पीरियड के लिए हम मेंटेन करेंगे। गाइस यहाँ पर मैं आपको एक लिंक करना चाहूँगा, हमने SA-230 जब करा था ना ऑडिट में, तो वहाँ पर भी हमने देखा था कि जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो कितने साल तक होते हैं। तो गाइस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हम कितने साल तक रखते हैं या बता सकते हैं, ये होता है 7 साल। 7 साल किससे गाइस? बुक्स ऑफ अकाउंट से या ऑडिट रिपोर्ट से? तो ये यहाँ पर होता है ऑडिट रिपोर्ट, बट यहाँ पर है बुक्स ऑफ अकाउंट, वहाँ पर क्या होता है ऑडिट रिपोर्ट, यहाँ पर है कि बुक्स ऑफ अकाउंट कि जिस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है उसके अगले 8 सालों तक हमें बुक्स मेंटेन करनी पड़ती है। लेकिन जो ऑडिट के डॉक्यूमेंटेशन है वो 7 साल तक, 7 साल कौन से? ऑडिट रिपोर्ट के आगे से, वहाँ पर वो मेंटेन करे। तो यहाँ से आप लिंक कर सकते हैं। फिर हम आगे देखते हैं गाइस सेक्शन नंबर 129, ये बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बननी चाहिए, क्या होना चाहिए और क्या, वो सब चीज़ हम देखने वाले हैं अभी। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं इसमें, सबसे पहला पॉइंट जो इसमें आ रहा है वो आ रहा है फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह की होती हैं। तो ये आप देख भी रहे होंगे गाइस, पिक्टोग्राफी के ऊपर प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, बड़ी मेहनत से गाइस ये स्लाइड्स बनाई गई हैं, सो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। और सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहला पॉइंट जो हमें वो बताता है वो ये कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू देंगी। हमने वहाँ पर भी ये देखा था जब सेक्शन 128 स्टार्ट करा था, उसमें जो मैनर में पॉइंट हमने देखा था कि बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे प्रिपेयर, किस मैनर में प्रिपेयर होनी चाहिए, उसमें भी वहाँ पर ये पॉइंट लिखा हुआ था कि बुक शैल बी मेंटेन, बुक शैल रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी। फिर सेकंड पॉइंट में गाइस वो कहता है बुक शैल कंप्लाइड विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड अंडर सेक्शन 133। फिर गाइस थर्ड पॉइंट में वो हमसे बोलता है इट शैल बी इन एनी फॉर्म एज मे बी प्रोवाइडेड फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपनी इन शेड्यूल 3। गाइस जो शेड्यूल 3 में फॉर्मेट दिया है ना, जो शेड्यूल 3 का जो फॉर्मेट है उसको हमें फॉलो करना है। फिर वो आगे बताता है हमारे को कि जो शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है वो किन पर्टिकुलर कंपनीज को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहली कंपनी गाइस उसमें आती है बैंकिंग, फिर नेक्स्ट कंपनी आती है इंश्योरेंस, फिर उससे नेक्स्ट कंपनी आती है इलेक्ट्रिसिटी, फिर लास्ट कंपनी आती है कोई भी ऐसी कंपनी जिनका जो यू नो एक्सपेक्टेड फॉर्म और कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फॉर्मेट है उनका उन रिस्पेक्टिव लॉ में पहले से ही लिखा हुआ है। जैसे इंश्योरेंस लॉ का अगर हम पढ़ते हैं तो इंश्योरेंस लॉ का अपना अलग से उन्होंने वहाँ पर लिखा हुआ है कि बुक शैल बी मेंटेन्ड इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो उस केस में हमारे को शेड्यूल 3 लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर गाइस वो बोलता है लेइंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि ये देखो आप देख रहे होंगे यहाँ पर AGM हो रही है, तो गाइस हर पर्टिकुलर AGM में बुक्स ऑफ अकाउंट जो है कंपनी को अपनी प्रेजेंट करनी पड़ती है। तो गाइस फिर वो आगे कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ कैश कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कंपनी को बनानी पड़ती हैं। वो किस केस में बनानी पड़ती हैं? अगर कंपनी की कोई सब्सिडियरी है तो बुक्स और वो जो क्या बोलते हैं कंसोलिडेटेड CFS जो बनेंगी इट शुड बी मेंटेन्ड इन दैट पर्टिकुलर फॉर्म इन विच द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड। तो गाइस क्या कहता है कि जिस तरह से हमने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है ना उसी तरह से हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाएंगे। फिर सेकंड पॉइंट में गाइस हमें वो बोलता है कि कंपनी शैल अटैच कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ, सॉरी जो बुक्स हम वहाँ पे ले डाउन करेंगे AGM में रखेंगे, अपनी प्रस्तुति करेंगे रखेंगे प्रेजेंट करेंगे अपनी बुक्स, उसके साथ में एक सेलियंट फीचर्स ऑफ सब्सिडियरीज एक गाइस कुछ एक स्टेटमेंट रखेंगे उसके साथ जिसमें कुछ पर्टिकुलर ना कुछ खास यू नो फीचर्स जो हमारे सब्सिडियरीज के हैं या जो यू नो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स जो हमारी सब्सिडियरीज के हैं उनको एक पर्टिकुलर बुकलेट में बनाकर वो भी साथ में प्रेजेंट करेंगे। फिर गाइस उसके बाद वो बोलता है CFS शैल बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 3। CFS जो बननी चाहिए वो शेड्यूल 3 के यू नो कंप्लायंस करके बननी चाहिए।
फिर गाइस आगे वो इसी के साथ एक इंटरलिंक पॉइंट क्या बोलता है कि अगर कंपनी को शेड्यूल थ्री जो है रिक्वायरमेंट नहीं है शेड्यूल थ्री को कंप्लाई करने की, तो उस केस में वो कंपनी जो है पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो उसको लग रहा है एंटिटी को उसको फॉलो अगर वो कर रही है तो भी उसकी ये वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। तो गाइस इसी के साथ हमने सेकंड पॉइंट भी ख़त्म करा। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड पॉइंट, अगर गाइस जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है वो डेविएट करती हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, तो हमारे को जो यू नो कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसके रीज़न देने पड़ेंगे कि रीज़न फॉर सच डेविएशन। सबसे पहले गाइस उसको क्या देना पड़ेगा, उसमें डेविएशन फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की क्या पर्टिकुलर डेविएशंस हुई हैं, फिर उसके बाद रीजंस, फिर उसके बाद उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या पड़ा है। तो ये तीन चीज़ें उसको गाइस देनी होंगी। तो गाइस इसी के साथ साथ हमने सेक्शन 129 भी ख़त्म करा। नाउ मूविंग ऑन टू गाइस सेक्शन 130। गाइस ये जो सेक्शन आया ना रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑर्डर, या पिक्चर भी देख रहे होंगे ग्रैंड रीओपनिंग, तो गाइस ये ग्रैंड रीओपनिंग कब हुई थी, ग्रैंड रीओपनिंग हुई थी गाइस पिछले हमारे अटैम्प्ट में। पिछला अटैम्प्ट कौन सा था, मई 2017, उसमें गाइस ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट आई थी। सेक्शन 130 पूरा नया सेक्शन है तो इसको ध्यान से हमारे को समझना होगा गाइस। इस सेक्शन में वो क्या कहता है कि कंपनी अपनी जो बुक्स है उसको रीओपन कर सकती है। तो वो रीओपन कब कर सकती है, जब कोई पर्टिकुलर यू नो कुछ पर्टिकुलर अथॉरिटीज़ के नाम दिए हैं कि ये अथॉरिटीज़ कोर्ट को ऑर्डर देंगी कि इस पर्टिकुलर कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रीओपन करवाया जाए। कंपनी क्या करेगी गाइस, वो यू नो जो है ऑर्डर देगी रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ जो इस बुक्स ऑफ अकाउंट को रीओपन करवाना चाहती हैं, वो क्या करेंगी, वो अपना कोर्ट को ट्रिब्यूनल को अप्लाई करेंगी एप्लीकेशन के थ्रू। वो रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ कौन सी होती हैं, सबसे पहला सेंट्रल गवर्नमेंट या इनकम टैक्स अथॉरिटी या स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या एनी अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। ये चार अथॉरिटीज़ अगर चाहती हैं कि किंगफिशर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स रीओपन होनी चाहिए, तो ये इनमें से या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या सेबी या इनकम टैक्स अथॉरिटी या एनी अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एक एप्लीकेशन देंगी। एप्लीकेशन किसको देंगी, एप्लीकेशन वो देंगी कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल को कि इस पर्टिकुलर कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रीओपन करवाया जाए। तो गाइस अब हम देखेंगे कि रीज़न क्या होता है, किस वजह से उनको बोल रही है वो अथॉरिटीज़ कि क्यों रीओपन करवाना चाहिए। गाइस रीज़न ये होते हैं कि जो अकाउंट जो प्रिपेयर हुए हुए हैं ना वो फ्रॉडुलेंट मैनर में प्रिपेयर हुए हुए हैं, या फिर सेकेंड बात क्या हो सकती है, कंपनी इज मिसमैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डजंट सीम्स टू बी रिलायबल ड्यू टू सच मिसमैनेजमेंट। तो गाइस आप समझ गए होंगे फर्स्ट पॉइंट में वो हमें बोलता है कि या तो बुक्स ऑफ जो अकाउंट्स है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है ना हमारे, वो या तो फ्रॉडलेंट मैनर से बने हुए हैं, या उसमें जैसे हमने एसए 240 में देखा था कैसे वो फ्रॉड हो जाता है। जैसे एक दो एग्जांपल देना चाहूँगा मैं यहाँ पे कि जैसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन अगर हम डिले कर दें या उसको पहले कर दें तो उससे भी हमारे अकाउंट्स पे फ़र्क पड़ जाता है, या फिर गाइस कोई हम जो है कुछ झूठी ट्रांजेक्शन अपने खर्चों को बढ़ाने के लिए और इनकम को कम करने के लिए उसमें अगर डाल दें इसको भी फ्रॉड माना जाता है, या फिर कुछ हम हेरा फेरी कर दें कैश की कुछ चोरी हो जाए कुछ तो उसको भी हेरा फेरी उसको भी फ्रॉड में इंक्लूड किया जाता है। तो वो इसीलिए वो कह रहा है कि जो किंगफिशर के ना आप हमारे को अकाउंट्स रीओपन करवाने की अथॉरिटी कोर्ट जी। अब होता क्या है गाइस मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हुआ क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर इनकम टैक्स अथॉरिटी या फिर सेबी या फिर एनी अदर अथॉरिटी, ये चार जने मिलकर या इनमें से कोई भी एक पर्टिकुलर बंदा एक एप्लीकेशन लेकर जाता है ट्रिब्यूनल के पास, कहता है ट्रिब्यूनल जी हमें ना किंगफिशर एयरलाइंस की ना बुक्स ना ओपन करवानी है, किंगफिशर या किंगफिशर दारू वाली कंपनी की ना बुक्स हमें ओपन करवानी है।
तो कोर्ट जी पूछते हैं, कोर्ट पूछता है डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट को कि मोदी जी आपने क्यों ये करवानी है, ये क्यों बुक्स ओपन करवानी है। तो मोदी जी उनको बोलते हैं कि आपको पता नहीं है क्या, ये जो हमारे ये माननीय विजय माल्या जी हैं, इन्होंने जो बुक्स ऑफ अकाउंट में घपले करे हुए हैं। ठीक है गाइस, सत्यम का केस यहाँ पे ले सकते हैं कि हमारे जो राजू जी हैं, इन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको फ्रॉडुलेंट मैनर में बनाया हुआ है। या फिर जो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना, जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ हैं, वो कंपनी को ऐसे चला रहे हैं कि वो मिसमैनेजमेंट तरीके से चला रहे हैं, जिससे कंपनी को लॉस हो रहा है। तो उस केसिस में कोर्ट क्या करेगी, ऑर्डर पास कर देगी कि हाँ रीओपनिंग का ऑर्डर इशू कर देगी। रीओपनिंग का ऑर्डर इशू करते ही गाइस क्या होगा, वो जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ है जिन्होंने अप्लाई किया था कोर्ट को, उसको इंटीमेट कर देगी कि ठीक है मैंने ऑर्डर पास कर दिया है। तो गैस इसी के साथ हमारा ये पर्टिकुलर वन सेक्शन 130 कंप्लीट होता है। मैं एक बार दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, चार अथॉरिटीज़ होती हैं, पहली सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी इनकम टैक्स अथॉरिटी, तीसरी सेबी और या फिर एनी अदर। ये चारों अथॉरिटी जाके ट्रिब्यूनल को बोलती हैं, ट्रिब्यूनल जी हमें ना किंगफिशर, हमें ना सत्यम की ना बुक्स रीओपन करवानी है। कोर्ट पूछता है आपको क्यों करवानी है, फिर वो रीज़न देता है कि राजू जी है ना, इन्होंने फ्रॉडुलेंट मैनर में बुक्स बनाई हैं। फिर दूसरा पॉइंट बोलता है कि राजू जी है ना, ये चोर आदमी है, इन्होंने जो जो सारा काम काज कर रहे हैं ना, वो एकदम घटिया तरीके से कर रहे हैं, कंपनी को बर्बाद करने के उस पर ऊपर तुले हुए हैं, इसलिए हमें हमारे को ना बुक्स इनकी रीओपन करवानी है। कोर्ट क्या करता है, एक ऑर्डर पास कर देता है। ऑर्डर पास करने के तुरंत बाद वो रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ को जिन्होंने अप्लाई करा था उनको इंटीमेट कर देता है कि ठीक है हमने ऑर्डर पास कर दिया है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन ख़त्म होता है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 131 क्या कहता है गाइस, वॉलेंटरी रिवीजन ऑफ अकाउंट्स। वॉलेंटरी रिवीजन ऑफ अकाउंट्स गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय वॉलेंटरी, सोचिए सोचिए गाइस। वॉलेंटरी का मतलब होता है गाइस खुद अपने आप से कंपनी चाहती है कि हम रिवाइज करें। तो गाइस इसको आप देख रहे होंगे, ये इंसान को ये कैसे बुक, एक बुक इसके हाथ में है और दूसरी बुक जो ओरिजिनल वाली है वो उसके एक बुक उसने टेबल के ऊपर रखी है, दूसरी बुक उसके हाथ में है। तो गाइस जो जो उसके बुक जो उसके हाथ में है ना, वो ओरिजिनल वाली बुक है, और जो नई बुक जो अभी है इसके टेबल पर रखी हुई है उसमें से देख देख कर ये यहाँ पर कॉपी कर रहा है। तो बुक्स की रिवीजन कर रहा है, ये बुक्स की रिवीजन कर रहा है। तो गाइस किस केसेस में रिवीजन हो सकती है, अब हम उसकी बात करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट उसमें क्या बोला है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगता है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगता है कि जो सेक्शन 129 या फिर सेक्शन 134 जो कि डील करते हैं, सेक्शन 129 इज़ फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सेक्शन 134 इज़ फॉर बोर्ड रिपोर्ट, इन दोनों सेक्शन का कोई नॉन कंप्लायंस हुआ है, तो उस केस में उनको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा कोर्ट के पास कि कोर्ट जी हमने ना ये चीज़ कर नहीं पाए थे, तो प्लीज़ हमें ये रिवाइज़ करने की, हमारे से ये नॉन कंप्लायंस हो गया था, हमने ना सेक्शन 129 में जब बुक्स ऑफ अकाउंट बनाई ना, हमने ना कैश बेसिस पर बना दी, कोर्ट जी हमने ना कैश बेसिस पर बना दी, बट जो हमारे सेक्शन में लिखा हुआ है कि बुक्स ऑफ अकाउंट जो बननी चाहिए वो एक्रूअल सिस्टम पर बननी चाहिए। तो कोर्ट जी मैं ना आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरे को ना अपनी बुक्स रिवाइज करने का एक मौका दे दीजिए। कोर्ट क्या करेगा गाइस, कोर्ट या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर कोर्ट एक्सेप्ट करता है तो वो एक ऑर्डर पास करेगा कि ठीक है आप बुक्स रिवाइज कर सकते हो। अगर उसने ऑर्डर पास कर दिया तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा गाइस, 30 दिन के अंदर अंदर वो ऑर्डर रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवाना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे जो टाइम लिमिट है ना, टाइम लिमिट कहीं स्पेसिफिकली लिखी नहीं हुई, ये हम एज्यूम करते हैं कि जब भी गाइस, एक बात मैं आपको भी बता रहा हूँ कि जहाँ पर भी रजिस्ट्रार के पास कोई भी फाइलिंग करनी होती है ना, तो उस केस में हमेशा 30 दिन ही आते हैं, चाहे आप किसी भी सेक्शन में देख लेना। तो ये चीज़ हमने देखी, 30 दिन के अंदर अंदर उनको वहाँ पर जो है ऑर्डर जो है आरओसी के पास सबमिट करना पड़ेगा। तो गाइस फिर हम इसके अंदर देखेंगे कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट, दो लिमिट बताई गई हैं सेक्शन में, जो बुक्स ऑफ अकाउंट जो है ना वो पिछले हम सिर्फ 3 सालों की, पिछले जैसे अभी चल रहा है 2017, तो हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट जो रिवाइज़ कर सकते हैं ना, वो या तो पिछले 2016 की कर सकते हैं या 2015 की कर सकते हैं, फिर या 2014 की कर सकते हैं। पिछले 3 सालों की हम बुक्स रिवाइज कर सकते हैं, वो भी तब अगर हमारे को ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया है तो।
फिर उसके बाद गाइस क्या होगा, जब बुक्स रिवाइज करने के लिए बोल दिया तो कंपनी क्या करेगी, अब कंपनी मान लो एक एक साल में ना उसको बोल दिया ठीक है भाई तुम ना पिछले 3 सालों की बुक्स रिवाइज कर सकते हो, अब वो क्या कर रही है, बार बार कंपनी जो है एक साल में 4-4 बार बुक रिवाइज करे जा रही है, तो रजिस्ट्रार तो पागल हो जाएगा, बुक रिवाइज कर रही है रजिस्ट्रार के बाद फाइलिंग करवा रही है, रिवाइज कर रही है फाइलिंग करवा रही है। इस केस में भी एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, वो क्या लगाई गई है कि एक पर्टिकुलर ईयर में आप एक ही बार अपनी बुक्स को रिवाइज कर सकते हो गाइस। फिर उसके बाद गाइस क्या कहता है कि इन द केस ऑफ बिफोर पासिंग द ऑर्डर ऑफ रिवीजन ट्रिब्यूनल शैल गिव नोटिस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो गाइस बिफोर, अगर जो ऑर्डर पास करने से पहले पहले ऑर्डर पास करने हुआ क्या था, मैं आपको एक बार दोबारा स्टार्टिंग से बता रहा हूँ क्योंकि ये दोनों सेक्शन नए हैं तो इसलिए बार बार रेपिटेशन कर रहे हैं, तो मैं एक बार दोबारा बताता हूँ आपको। सेक्शन 131 में क्या हुआ, कंपनी का अपने आप से अंदर से उसकी रूबरू जागी, तू ही रूबरू है, सुना है ना गाइस आपने गाना, तो अंदर से अपने आप उनकी जो अंतरात्मा जागी कि हमने ना अकाउंट्स जो है गलत, उनको डायरेक्टर को रात को सपना आया कि हमने ना यार ये बुक्स जो अकाउंट को हमने तो कैश बेसिस पर बना दी और बनानी थी एक्रूअल बेसिस पर, तो वो क्या हुआ, वो जो भागे भागे सुबह जैसे ही हुई उन्होंने ब्रश भी नहीं किया और भागे भागे सीधा ट्रिब्यूनल के पास चले गए, ट्रिब्यूनल को कहते हैं जाके कि हमारे से ना ये गलती हो गई है प्लीज़ हमें एक बार इसको सुधारने का मौका दे दीजिए। तो ट्रिब्यूनल क्या करता है, ऑर्डर पास कर देता है, उसकी मर्जी है ऑर्डर पास करे या ना करे, अगर वो ऑर्डर पास करता है तो उस केस में क्या होगा गाइस, कंपनी को वो ऑर्डर लेकर रजिस्ट्रार के पास जाकर सबमिट करवाना होगा। तो फिर एक पॉइंट इससे पहले और आता है कि जब वो ऑर्डर कंपनी पास करेगी ना उससे पहले गाइस एक वो यू नो रिकमेंडेशन लेगी, किससे लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स अथॉरिटी से भी या एनी अदर स्टेटरी अथॉरिटी कि ये कंपनी हमारे पास आई है, ये अपनी बुक्स रिवाइज करना चाहती है, आपको कोई इसके ऊपर आपत्ति तो नहीं, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं माय लॉर्ड, आपको इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं। अब गाइस ये ऐसा क्यों बोल रही है कि उससे क्यों रिप्रेजेंटेशन ले रही है, ट्रिब्यूनल इतना बड़ा, उसकी खुद ही इतनी बड़ी पावर है, वो क्यों इनके पीछे धक्के खा रही है, ये इनकम टैक्स अथॉरिटी और ये सेबी वे भी इनके पीछे क्या जरूरत है उसको जाने की। गाइस जरूरत ये है, सपोज करो इनकम टैक्स अथॉरिटी ने उसके ऊपर जो पर्टिकुलर एंटिटी है वहाँ छापा मारने का उन्होंने प्लान बनाया हुआ है कि आज रात को हमें जाकर वहाँ पर छापा पर्टिकुलर कंपनी की में छापा मारना है और वहाँ पर सीज एंड जो बुक्स को सीज करना है हमारे को, क्योंकि ये जो कंपनी है पर्टिकुलर कंपनी है बहुत धोखाधड़ी करती है। तो गाइस अगर हम जो कोर्ट है उनसे बिना पूछे जो इजाज़त दे देगा बुक्स रिवाइज करने की, वो सारी गलतियां वहाँ से हटा देंगे वहाँ से। तो इसीलिए ये लॉजिक है गाइस इस सेक्शन के पीछे, ये लॉजिक है, आपको इसको समझना पड़ेगा, बिना समझे आप कुछ नहीं कर सकते। यही लॉजिक है, लॉजिक यही है कि जो अगर हम उनसे नहीं पूछेंगे ना इनकम टैक्स अथॉरिटी से कि आप हमें इसके ऊपर रिकमेंडेशन दीजिए, अपने सुझाव दीजिए, या फिर आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, वो इसीलिए पूछ रहे हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर ने वहाँ पर जाकर कहीं छापा तो नहीं मारना, उनकी बुक सीज तो नहीं करनी, कहीं कंपनी पहले से घोटाले तो नहीं कर रही कि कहीं हमने उनको परमिशन दे दी तो वो बुक्स अपनी सारी ख़त्म तो नहीं कर देंगी, जला तो नहीं देंगी, सारी जो उसमें गलतियाँ हुई हुई हैं वो छुपा तो नहीं देंगी। तो गाइस इसके लिए ये सेक्शन यहाँ पर आता है। फिर दो टाइम लिमिट थी इसमें, 3 साल वाली 1 साल वाली। 3 साल वाली क्या थी कि जो बुक्स रिवाइज कर सकती है जो एंटिटी वो पिछले 3 सालों की ही मैक्सिमम कर सकती है। फिर उसके बाद क्या था, 1 साल में एक ही बार रिवाइज कर सकती है, वो एक ही बार रिवाइज कर सकती है। तो गाइस सेक्शन 131 इसी के साथ हमने कंप्लीट करा। नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 134। तो गाइस सेक्शन नंबर 134 में सबसे पहले आता है ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे एक बंदा साइन कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। अब गाइस हमें देखना है कि कौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर साइन कर सकता है। तो गाइस इसके लिए हम देखेंगे, या तो वो बंदा जो होना चाहिए ना चेयरमैन होना चाहिए, या फिर चेयरमैन अगर ऑथराइज नहीं है साइन करने के लिए तो 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए जिसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए, और इसी के साथ साथ 3 जने और होने चाहिए। कौन कौन से, एक तो सीईओ तभी साइन करेगा अगर वो डायरेक्टर है, फिर कौन होना चाहिए सीएफओ, फिर एक और कौन होना चाहिए सीएस। तो एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे गाइस, सबसे पहला जो बंदा जो साइन कर सकता है चेयरमैन, अगर चेयरमैन नहीं है तो कौन साइन करेगा, 2 डायरेक्टर्स, 2 डायरेक्टर में से एक कौन होगा मैनेजिंग डायरेक्टर। फिर इसी के साथ थर्ड पॉइंट कौन सा था, थर्ड पॉइंट था गाइस कि सीईओ भी साइन करेगा लेकिन कंडीशन थी कि वो डायरेक्टर होना चाहिए। फिर फोर्थ पॉइंट क्या था गाइस कि सीएफओ और सीएस तो साइन करेंगे ही करेंगे। तो इसी के साथ हमने ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पॉइंट हमने कवर करा। फिर आप देखते हैं गाइस बोर्ड रिपोर्ट,
बोर्ड रिपोर्ट गाइस आपको सबको पता होगी कि जब भी एनुअल रिपोर्ट बनती है उसमें मेनली तीन चीज़ें होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट रिपोर्ट एंड बोर्ड रिपोर्ट। तो अब हम देखने वाले हैं बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या होते हैं। कंटेंट्स के ऊपर आपको फोकस नहीं करना, आपको मगअप नहीं करना, कंटेंट्स पेपर में नहीं पूछे जाते। आपको एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि क्या पर्टिकुलर मोटे मोटे क्या इसमें कंटेंट होते हैं। तो सबसे पहला कंटेंट क्या होता है गाइस, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एनुअल रिटर्न। जो कंपनी एनुअल रिटर्न फाइल करती है उसमें से कुछ डाटा जो है वो अपनी बोर्ड रिपोर्ट में भी उसको डालना होता है। फिर दूसरा पॉइंट आता है गाइस कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जो वो डिक्लेरेशन देते हैं ना अपनी इंडिपेंडेंसी का, वो बोर्ड रिपोर्ट में होना चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट आता है गाइस कि अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसमें यू नो जो नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी का वहाँ पर एग्जिस्टेंस होनी ज़रूरी है, उस पर्टिकुलर केस में जो कंपनी की क्या पॉलिसी क्या है कि डायरेक्टर्स को कितने रेमुनरेशन मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो एक पॉलिसी डिस्क्लोज होनी चाहिए बोर्ड रिपोर्ट में। फिर गाइस फोर्थ पॉइंट क्या कहता है हमारे को कि डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट भी बोर्ड रिपोर्ट में होनी चाहिए। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है गाइस कि स्टेट ऑफ अफेयर्स जो कि कंपनी कैसा चल रही है उसके ऊपर भी दो तीन लाइनें बोर्ड रिपोर्ट में होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है गाइस कि टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, जो पावर सेविंग, इसके ऊपर भी दो तीन लाइनें बोर्ड रिपोर्ट में होनी चाहिए। फिर क्या कहता है गाइस, जितनी भी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करी है वो बोर्ड रिपोर्ट में होनी चाहिए। फिर क्या कहता है गाइस, जितनी भी लोन एंड इन्वेस्टमेंट हमने सेक्शन 186 में आगे देखेंगे वो सारे होने चाहिए। फिर एक सेक्शन आया था गाइस, बहुत ही जो इंपॉर्टेंट सेक्शन था 143(12), उसमें एक पर्टिकुलर लिमिट बताई थी कि अगर इस लिमिट से जो फ्रॉड है उसका अमाउंट पार होता है सिर्फ तभी हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करनी थी ऑडिटर को। तो ये कहता है जो अगर अमाउंट उस पर्टिकुलर लिमिट से कम है तो उस केस में हमारे को रिपोर्टिंग तो करनी है नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन हम डायरेक्टर रिपोर्ट में वो पॉइंट डालेंगे कि ऐसा हुआ था। फिर वो कहता है कि रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम की कंपनी में जो इंटरनल कंट्रोल है वो प्रॉपर है या नहीं है उसके ऊपर दो तीन लाइनें लिखेंगे। फिर गाइज लास्ट पॉइंट में वो कहता है कि अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी है जो लिस्टेड कंपनी है और उसमें उसने कंडीशन भी बताई हुई है गाइस, लिस्टेड कंपनी एंड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 25 करोड़ और मोर, अगर उस केस में 25% और मोर उसकी कैपिटल है तो वो एक स्टेटमेंट देगी जिसमें वो इवेल्युएशन करेगी अपने ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कि हमारा कामकाज कैसे हुआ, कैसे पिछले साल से कैसे हमने आपको अपने आप को सुधारा। तो ये सब चीज़ें मेंशन होंगी। तो इसी के साथ गाइस हमने कंटेंट्स ऑफ बोर्ड रिपोर्ट्स को कवर करा। नाउ मूविंग ऑन टू साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो गाइस यहाँ पर ना एक सेकेंड गाइस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की साइनिंग हमने यहाँ पर देख ली थी। तो ये जो ये साइनिंग आ रही है ना, ये बोर्ड रिपोर्ट की साइनिंग है। ये गलती से मेरे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा गया है तो आप इसको बोर्ड रिपोर्ट लीजिएगा, ठीक है। तो इस केस में भी क्या है कि जो सेम हमने देखा था, या तो चेयरपर्सन अगर वो बोर्ड से ऑथराइज है, अगर चेयरपर्सन नहीं है तो दो डायरेक्टर जिसमें से एक होगा MD। तो ये सब इसमें बस ये फ़र्क है कि वहाँ पे जो तीन बंदे एक्स्ट्रा थे ना, एक CEO, एक CFO, एक CS, वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, या तो चेयरमैन है तो ठीक है चेयरमैन करे ख़त्म करे, चेयरमैन नहीं है तो दो बंदे आएंगे, दो डायरेक्टर आएंगे जिसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। तो ये साइनिंग हमारी थी बोर्ड रिपोर्ट की, ये गलती से मेरे से यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा गया। फिर आगे देखते हैं गाइस, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। ये क्या होता है डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट गाइस? ये एक डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको ना ये सब चीज़ें कंप्लाई करनी है। तो उस केस में सबसे पहला पॉइंट आता है, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट शैल स्टेट दैट इन प्रिपरेशन दैट द फाइनेंशियल दैट द एनुअल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इन केस ऑफ एनी डेफिशिएंसी ही हैज़ टू रिपोर्ट दैट व्हाई द डेफिशिएंसी ओक्योर्स एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर पर्टिकुलर दैट डेफिशिएंसी, कि मटेरियल डिपार्चर जो हुआ उसका क्या रीज़न है डिपार्चर का। फिर सेकंड पॉइंट गाइस हमारे को बोलता है कि डायरेक्टर ने ना कुछ जो ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग जजमेंट्स, अकाउंटिंग एस्टीमेट्स ऐसे लिए जो रीज़नेबल हैं। अकाउंटिंग एस्टीमेट्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग जजमेंट्स ऐसे यूज़ करे हैं जो रीज़नेबल एंड प्रूडेंट है, जो कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है उसकी ट्रू एंड फेयर व्यू शो करती हैं। फिर थर्ड पॉइंट में गाइस हमारे को बोलता है कि डायरेक्टर हैड टेकन प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर फॉर मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट अकाउंटिंग
रिकॉर्ड्स जो डायरेक्टर्स ने ना एक एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो अकाउंटिंग इंटरनल कंट्रोल का एक एडिक्वेट सिस्टम वहाँ पर लगाया हुआ है। एडिक्वेट सिस्टम क्या करता है दैट द पर्टिकुलर सिस्टम इज़ एफिशिएंट फॉर प्रिवेंटिंग एंड करेक्टिंग द मटेरियल डेफिशिएंसीज। वो उसको बचाता भी है और उसको करेक्ट भी करवाता है, वो ऐसा एक इंटरनल सिस्टम वहाँ पर लगा हुआ है। फिर वो गाइस बताता है कि जो कंपनी का जो यू नो जो कंपनी ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेलीगेट करी हुई है ना जो पर्टिकुलर पर्सन्स को, वो सिस्टम जो है वो भी एफिशिएंट सिस्टम है। वो पर्टिकुलर क्या बोलता है, डायरेक्टर है डिवाइस प्रॉपर सिस्टम टू एंश्योर कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ ऑल लॉज एंड रेगुलेशंस। फिर गाइस एक पॉइंट और आता है, डायरेक्टर हैड प्रिपेयर्ड एनुअल अकाउंट्स ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस। फिर एक लास्ट पॉइंट आता है गाइस, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, ओ माय गॉड, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी वेदर द डायरेक्टर हैड लेड डाउन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड दैट पर्टिकुलर कंट्रोल्स आर एडिक्वेट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। तो गाइस क्या बोलता है वो, जो लिस्टेड कंपनी के केस में ना जो डायरेक्टर एक स्टेटमेंट अपनी लिख के देगा कि हाँ भाई हमारी कंपनी ने ना इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स अच्छे तरह से लगाए हुए हैं, जो ये कंट्रोल्स लगाए हुए हैं ना ये एडिक्वेट है और ऑपरेटिंग पूरे साल ऑपरेशन में थे और इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहे थे। तो गाइस एक बार ये दोबारा रिपीट करते हैं, हम स्टार्टिंग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफ़ी, कि सबसे पहला पॉइंट होता है कि जो हमारी बुक्स ऑफ स्टेटमेंट्स है ना वो हमारी जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने सारे कंप्लाई करे हैं, अगर नहीं करे कोई मटेरियल डिपार्चर है तो उसके लिए उसको रीज़न वहाँ पर अपनी बोर्ड डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में देना होगा। फिर सेकेंड पॉइंट में गाइस बोलता है हमारे को, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, जजमेंट्स हैं, एस्टिमेट्स हैं, दीज आर रीजनेबल एंड प्रूडेंट। गाइस जो ये मैं वर्ड बोल रहा हूँ ना, मैं ये वर्ड अगर आप दो तीन वर्ड ये ऐसे यूज़ कर देते हैं ना एग्ज़ाम में तो आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। ये मैं खाली कीवर्ड, क्योंकि हमारी यू नो रॉकेट रिवीजन चल रही है तो इसको बहुत तेज़ी से मैं लेकर चल रहा हूँ, पूरा नहीं कर रहा, सिर्फ मेन कीवर्ड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आप इसको स्लो मोड पर करके भी ये एक आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं साथ साथ में। तो हम कहाँ पर थे, सबसे पहला पॉइंट हमारा था कि डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में क्या था कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनी हो, अगर कोई मटेरियल डिपार्चर है तो उसका रीजन हो। फिर सेकंड पॉइंट था कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज जजमेंट्स और एस्टिमेट्स हैं ना अकाउंटिंग पॉलिसीज जजमेंट्स और एस्टिमेट्स हैं ना वो रीजनेबल एंड प्रूडेंट हैं और एज टू रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी, वो मतलब कि प्रूडेंट हैं और रीजनेबल हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या देखा कि लिस्टेड कंपनी के केस में ना डायरेक्टर्स जो है एक पर्टिकुलर दो तीन लाइनें लिखेंगे कि हमारे जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स हैं ना वो एफिशिएंट हैं और ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं। फिर क्या पॉइंट आता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं ना हमने गोइंग कंसर्न एज्यूम्पशन के हिसाब से बनाई हैं, मतलब हमारी कंपनी गोइंग कंसर्न बेसिस पर काम कर रही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है गाइस कि जो अथॉरिटी डेलीगेशन सिस्टम है ना वो प्रॉपर है टू एंश्योर कंप्लायंस विद द रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशन, यानी कि सर्विस टैक्स का बंदा अलग हमारा काम कर रहा है, एक्साइज का अलग काम कर रहा है, सबका मतलब कि और जो हमारे लीगल कंप्लायंसेज हैं, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेज हैं जैसे कि TDS, सर्विस टैक्स, VAT और ये सब अलग बंदा है। फिर कंपनी लॉ कंप्लायंसेज के लिए अलग बंदा है, और फिर ऐसे ही हमारी जो फैक्ट्री में वेजेस एक्ट लगते हैं उनके लिए अलग बंदे हैं। मतलब हमारा पूरा जो एक जो सिस्टम हमने अथॉरिटी डेलीगेट करी हुई है वो एक प्रॉपर सिस्टम है, वेदर द जो सिस्टम वो हम यूज़ कर रहे हैं इज़ द एफिशिएंट सिस्टम टू एंश्योर दैट द कंपनी इज़ कंप्लाइंग विद ऑल द लॉज एंड रेगुलेशन। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ हमने डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट भी खत्म करा। फिर आगे चलते हैं गाइस सेक्शन नंबर 136। आप ये देख रहे होंगे ये ईगल है बुक्स लेकर जा रही है, सर्कुलेट करने जा रही है, तो पिक्टोग्राफिक पर जरूर ध्यान दीजिए। तो गाइस सेक्शन 136 बात करता है सर्कुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो सबसे पहला पॉइंट आता है गाइस कि हमारे को क्या क्या जो अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सर्कुलेट करने होते हैं, यानी कि मेंबर्स को देने होते हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है गाइस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है गाइस, उसके साथ साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट और उसके साथ साथ ऑडिट रिपोर्ट एंड उसके साथ साथ वो कहता है एनी अदर डॉक्यूमेंट विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट विच आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू द फॉलोइंग पर्सन। तो किस किस बंदों को देनी पड़ती हैं वो देखने वाले हम।
एक तो मेंबर्स को देनी पड़ती है, जितने भी कंपनी के मेंबर्स हैं उनको पर्टिकुलर ये इन्फॉर्मेशन देनी होती है। फिर दूसरा पॉइंट वो बोलता है डिबेंचर ट्रस्टीज को हमारे को ये डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, फिर एनी अदर पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव दीज पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स, तो उन सबको हमारे को ये इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो गाइस ये इन्फॉर्मेशन कितने दिन पहले देनी होती है, AGM के कितने दिन पहले देनी होती है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि कितने दिन पहले देनी होती है, तो आंसर ये है कि 21 डेज पहले हमारे को इन्फॉर्मेशन देनी होती है। फिर पॉइंट आता है कि अगर लिस्टेड कंपनी के केस में, बड़ी कंपनी के केस में जहाँ पे लाखों करोड़ों शेयर होल्डर्स हैं, क्या ये कंपनी के लिए पॉसिबल है कि एक एक बंदे को जाके इतना इतना पूरा, जो इनकी गाइस एनुअल रिपोर्ट पता है कितनी बड़ी बड़ी होती है, इनकी 100-100 200-500 पेजों की एनुअल रिपोर्ट होती है, तो क्या ये पॉसिबल है उनको देना। तो उस केस में उसने बोला है कि अगर लिस्टेड कंपनी है तो उस केस में उसको ज़रूरत नहीं है कि पूरी जाके जो इतनी जो बंडल है बुक के जैसे लेकर जा रही है ईगल, ये पूरी बुक के बंडल देने की ज़रूरत नहीं है, आप एक काम करो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर बुक रख दो और आप जो लोगों को इंस्पेक्ट करने के लिए दे दो, जो इंस्पेक्शन है बुक्स की वो कब खुल जानी चाहिए, 21 दिन पहले, मीटिंग से 21 दिन पहले हम द कंपनी शुड ऑथराइज एनी पर्सन दैट ही और शी कैन इंस्पेक्ट अवर बुक्स ऑफ अकाउंट ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स बिफोर 21 डेज ऑफ द मीटिंग, ठीक है गाइस। फिर सेकंड पॉइंट में वो इसी के साथ बोलता है कि एक तो ये काम कर दो, फिर एक ना आप स्टेटमेंट बनाओ जिसमें सेलियंट फीचर्स होंगे, कुछ स्पेशल फीचर्स होंगे, उनको इनकॉर्पोरेट करके समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दो, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर और उनको दे दो, ये काम कर दो। फिर वो बोलता है कि हम इसको बुक्स ऑफ, ये तो अभी हमने ये समझा कि क्या क्या देना होता है, फिर उसके बाद अब हम ये देखने वाले हैं कि कैसे देना होता है, अरे कैसे देना होता है, कैसे किस मोड से देना होता है, उसमें हम ये देखने वाले हैं कि अगर वो लिस्टेड कंपनी है और जो पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो शेयर होल्डिंग है वो डीमैट में है तो उनको आप ईमेल कर दो, या फिर अगर जो ऐसे बंदे हैं जिनकी शेयर होल्डिंग डीमैट में नहीं है लेकिन उन्होंने एग्री कर लिया है, पर्टिकुलर पॉजिटिव कंसेंट कंपनी को दे दिया है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ईमेल से बुक्स रिसीव करने के लिए, तो उनको भी आप ईमेल के थ्रू दे सकते हो। अगर फिर इन दोनों के केस के अलावा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं आपको बाय हैंड दो या फिर डिस्पैच करो या पोस्ट करो या स्पीड पोस्ट करो तो ये कर सकते हो आप। तो गाइस उसके बाद वो क्या बोलता है हमारे को, उसके बाद वो बोलता है उसके बाद मैनर ऑफ सर्कुलेशन भी हो गया, ठीक है गाइस। तो यही पॉइंट था, सेक्शन 136 हमारा कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन 137 फाइलिंग विद रजिस्ट्रार, कि रजिस्ट्रार के पास हमें जो है बुक्स ऑफ जो अकाउंट है वो क्या क्या ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं। तो इसमें सेम चीज़ें हैं गाइस, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस द अदर डॉक्यूमेंट्स जो हमें लगाने पड़ते हैं उसके साथ, वो हमें रजिस्ट्रार के पास फाइल करने पड़ते हैं। कब फाइल करने पड़ते हैं, जो ड्यू डेट होती है ना AGM की, जिस AGM में वो अप्रूव हो जाते हैं, डायरेक्टर्स उसको अप्रूव कर देते हैं, उस AGM के 30 दिनों के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास फाइलिंग हो जानी चाहिए उन पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। फिर इसमें दो केस आते हैं गाइस, कि अगर वो हमारा जो AGM हुई बट AGM में क्या हुआ, जो बुक्स ऑफ अकाउंट थे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी वो अप्रूव नहीं हुई, मेंबर्स ने उसको एडोप्ट नहीं किया, सत्यम के केस में मेंबर्स ने उसको एडोप्ट नहीं किया, उन्होंने कहा ये राजू चोर है इसको बाहर निकालो हम ये बुक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उस केस में क्या हुआ गाइस, 30 दिन के अंदर अंदर जो AGM हुई, कंक्लूजन हुआ, बट हुआ क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट जो है अनअडोप्टेड रह गई, एडोप्ट नहीं हुई, उस केस में भी जिस डेट को AGM कंक्लूड हुई उसके 30 दिन के अंदर अंदर अनअडोप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप रजिस्ट्रार को दे दो, अनअडोप्टेड ही दे दो, अरे कुछ तो दो भाई, अनअडोप्टेड ही दे दो। रजिस्ट्रार क्या करेगा, अपने पास अनअडोप्टेड ही रख लेगा, अनअडोप्टेड वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रखकर वो एक प्रोविजनल बेसिस पर रख लेगा कि ठीक है यार अभी कम से कम ये तो रखूँ, ये तो जो अनअडोप्टेड ये वाली तो रखूँ, फिर आगे जब ये अप्रूव हो जाएंगी तो उस केस में जिस AGM में वो अप्रूव होंगी उस AGM से 30 दिन के बाद वो बुक्स जो है कंपनी दोबारा उसको देगी रजिस्ट्रार को। तो गाइस इस केस में दो बार बुक जो है रजिस्ट्रार के पास जाएंगी, एक तो अनअडोप्टेड एक फिर अडोप्टेड, दोनों की लिमिट में 30-30 दिन आएंगे, और वैसे भी जब भी रजिस्ट्रार के पास कोई भी फाइलिंग होती है तो वो 30 दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। फिर गाइस दूसरा केस आता है कि AGM तो
एजीएम ही नहीं हुई, पहले केस में एजीएम हुई थी लेकिन बुक नहीं, बुक्स एडोप्ट नहीं हुई थी, दूसरे केस में एजीएम ही नहीं हुई, ओ माय गॉड, उस केस में क्या करेंगे गाइस, ड्यू डेट, जो एजीएम की ड्यू डेट जिस डेट पर होनी चाहिए थी ना, उसके 30 दिन के अंदर अंदर हमारे को सबमिट करवा देंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट, और साथ में हमारे को रीज़न देना पड़ेंगे, डिटेल्ड रीज़न देने पड़ेंगे इन ए पर्टिकुलर स्टेटमेंट कि व्हाट आर द पर्टिकुलर रीजंस फॉर नॉट कंडक्टिंग द एजीएम, ये सेक्शन 137 में हमने देखा। फिर अभी हम ये वही वाली बात है, इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट अडोप्टेड, ये भी हमने देख लिया, वेयर एजीएम नॉट हेल्ड, ये भी हमने देख लिया। तो गाइस अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, हॉट टॉपिक, हॉट टॉपिक, दिस इज अ हॉट टॉपिक। यहाँ पर आप देख रहे होंगे गाइस ग्लोब है और ग्लोब के चारों तरफ एंटरप्राइजेस खड़े हैं, ये धीरू भाई मुकेश अंबानी खड़े हैं, टाटा खड़ा है, और बड़ी बड़ी सारे जो है उनका क्या नाम है गाइस, जो इन्फोसिस के वो हैं अजीम प्रेम जी, वो भी खड़े हैं, सब बड़े बड़े जो आदमी हैं वो सब खड़े हैं। तो उनको क्या कर रहे हैं, वो खड़े होकर इन्वायरमेंट को, जो अपनी जो उनके आसपास इकोनॉमी है, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कर रहे हैं। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या होगा, एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी कि किसके ऊपर एलिजिबल है, ये देखो वहाँ पर बोर्ड लेकर खड़ा है बंदा कि वेदर आई एम एलिजिबल और नोट। तो उसके लिए गाइस तीन कंडीशन हमारे को चाहिए, तीन कंडीशन क्या चाहिए, 500,000, 5 क्या होगा नेट प्रॉफिट, 500 क्या होगा गाइस, 500 क्या होगा, 500 क्या होगा, 500 क्या होगा, जल्दी बताइए, नेटवर्थ, 1,000 क्या होगा टर्नओवर, तो 500,000, 5 नेट प्रॉफिट, 500 हमारी नेटवर्थ एंड 1,000 हमारा टर्नओवर, इस हिसाब से हम देखेंगे। अगर ये कंडीशन हमारी फुलफ़िल हो जाती है ना गाइस, ये कंडीशन हमारी फुलफ़िल हो जाती है और ये जो कंपनी है ना गाइस, ये पर्टिकुलर कंपनी की नहीं देखी जाती, जैसे एक पर्टिकुलर कंपनी है उसकी सब्सिडीज कंपनीज भी हैं, होल्डिंग कंपनी भी है, उसकी फॉरेन कंपनी भी है, इन तीनों को मिक्सर मिलाकर अगर ये निकलती हैं तीन कंडीशन, कौन कौन सी, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 5 से क्या होगा, 5 से क्या होगा नेट प्रॉफिट, 500 से क्या होगा, 500 से क्या होगा, 500 से क्या होगा बताइए नेटवर्थ, 1,000 से क्या होगा, 1,000 से क्या होगा टर्नओवर। गाइस जो भी पर्टिकुलर लिमिट आए ना, उसमें जो सबसे बड़ा अमाउंट होता है ना, जो सबसे बड़ा अमाउंट होता है वो हमेशा टर्नओवर का अमाउंट होता है, टर्नओवर का अमाउंट होता है वो। तो गाइस ये हमने एप्लीकेबिलिटी देखी, उसके बाद हम देखने वाले हैं सीएसआर कमेटी। सीएसआर कमेटी में गाइस तीन लोग होते हैं, जिसमें से दो लोग या मैक्सिमम जो तीन लोग तीन डायरेक्टर होते हैं, जिसमें से एक डायरेक्टर जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। फिर गाइस जो है ये आप कमेटी देख रहे हैं, यहाँ पर आप कंपोजिशन देख रहे हैं कि इसमें तो ज़्यादा बंदे हैं, लेकिन मिनिमम जो है तीन बंदे होने चाहिए और उनमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं ना वाइट ड्रेस में, जो ये वाइट सूट में बैठा है, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है गाइस, ठीक है, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। फिर रूल्स पर आते हैं, रूल्स में क्या है कि गाइस जो आपने तो अभी हमारे को कंडीशन बता दी कि मिनिमम तीन डायरेक्टर होने चाहिए, लेकिन साहब हमारी तो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं, दो, हम तो दो ही मेंबर्स हैं, हम कहाँ से तीन मेंबर्स लेके आएँ। तो ठीक है, मोदी जी ने कहा ठीक है आप दो ही मेंबर से कमेटी बनाइए, लेकिन कोई बहाना नहीं चलेगा, आप दो ही मेंबर से कमेटी बनाइए। फिर वो कहता है कि हमारी तो कंपनी ऐसी है जहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमारे को एलिजिबिलिटी नहीं है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भी अभी आगे एलिजिबिलिटी आएगी तो वहाँ पर हम चेक करेंगे। तो वो कहता है अभी हमारी तो कंपनी में एलिजिबल ही नहीं है। तो मोदी जी कहते हैं ठीक है साहब, कोई बात नहीं मित्रों, अगर आपकी कंपनी में एलिजिबिलिटी नहीं है तो आपकी कमेटी बिना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के काम करेगी। फिर हम बात करते हैं फॉरेन कंपनी की। फॉरेन कंपनी में गाइस दो, एक बंदा ऐसा होगा कि जो फॉरेन कंपनी ने ऑथराइज कर रखा है फॉर एक्सेप्टिंग पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स, एक बंदा वो होगा, और दूसरा बंदा कोई भी हो सकता है जो कंपनी ने ऑथराइज कर रखा है। तो ये बात हुई फॉरेन कंपनी की। तो अब आगे देखते हैं गाइस ड्यूटीज ऑफ सीएसआर कमेटी, सीएसआर कमेटी की क्या ड्यूटीज़ हैं। ये आप देख रहे हैं ना बंदे को कितनी सारी ड्यूटीज़ हैं, इसके पास पेन पकड़ा हुआ है, फ़ोन पकड़ा हुआ है, ये पैड पकड़ा हुआ है, ये फैक्स आया हुआ है, सब कुछ ड्यूटीज़ हैं उसकी। तो ड्यूटीज़ में सबसे पहला पॉइंट है गाइस कि उसको एक पॉलिसी बनानी है, पॉलिसी बनाकर जिसमें वो लिखेगा कि जो हमारी सीएसआर की क्या पॉलिसी है। फिर उसको क्या करना है कि रिकमेंड करना है बोर्ड को कि कितना पर्टिकुलर अमाउंट उसको खर्च करना है, बोर्ड को कितना
पर्टिकुलर अमाउंट टूवर्ड्स CSR उसको खर्चा करना है। फिर थर्ड पॉइंट में क्या करना है, उसको मॉनिटर करना है कि जो पॉलिसी बनाई है वो ठीक तरह से चल भी रही है या नहीं चल रही। उसके बाद गाइस ड्यूटीज़ ऑफ बोर्ड इन रिलेशन टू CSR। अब जो अपनी CSR कमेटी ने तो पॉलिसी बनाकर दे दी, अब यहाँ पर ड्यूटी है बोर्ड की कि उसको एक्सेप्ट करना है कि जो ये पॉलिसी जो उसको बनाकर दी है उसको पॉलिसी को अप्रूव करना है, पॉलिसी को अप्रूव करना है। फिर उसके बाद जो इंश्योर करना है कि जो पॉलिसीज़ में जो CSR एक्टिविटीज़ लिखी है ना वो हो भी रही हैं या नहीं हो रही हैं, उसको वो भी चेक करना है, ठीक है गाइस। फिर उसको जो है जो पॉलिसी जो उसने अप्रूव करी है ना उसको वेबसाइट के ऊपर भी डालना है। तो गाइस ये ड्यूटीज़ हैं बोर्ड की। फिर थर्ड पॉइंट आता है अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन की, कितना CSR में कितना कंट्रीब्यूशन करना है। तो गाइस इसके लिए जो अमाउंट है वो 2% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द थ्री इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। गाइस 2% किसका लेना है, ये देख रहे हैं ना गाइस, पोर्टली लेकर जा रहा है ये कंट्रीब्यूशन करने, ये डायरेक्टर है जो कंट्रीब्यूशन करने जा रहा है। तो इस पोर्टली में क्या है गाइस, 2% है। 2% किसका है, एवरेज नेट प्रॉफिट का। एवरेज नेट प्रॉफिट कितने सालों के हैं, 3 साल के। कौन से 3 सालों के, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स, जिस डेट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है उसके पीछे के 3 सालों के प्रॉफिट निकाले हमने, उसका एवरेज निकाला और उसके ऊपर 2% लगाया और पोर्टली में डाला और दे दिया, लो मोदी जी ऐश करो, ठीक है गाइस। तो ये 4th पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद हमारा सेक्शन आता है 138 इंटरनल ऑडिट। इसमें गाइस कुछ सेक्शन में कुछ नहीं है, ये पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऑडिट कर रहा है और ये मैनेजमेंट पीछे डर के बैठा हुआ है और ये आर्टिकल जो है डॉक्यूमेंटेशन लेकर जा रहा है। ये पूरी परफेक्ट पिक्चर है गाइस, ध्यान से देखिए इस पिक्चर को। ये ऑडिटर जो है ऑडिट कर रहा है और पीछे मैनेजमेंट डर रही है, बट ये होता ये स्टेटरी ऑडिट में है कि ऐसा होता है, क्योंकि इंटरनल ऑडिट तो मैनेजमेंट की ऑडिट होती है एक तरह से। बट फिर भी गाइस इससे आप समझ सकते हैं, पिक्चर आपको एक ध्यान से अगर एनालिसिस करें तो यहाँ पर एक आर्टिकल है, आर्टिकल डॉक्यूमेंटेशन लेकर जा रहा है और ये हमारा CA है, CA अच्छे से उसको जो है मैग्नीफायर लगा के चेक कर रहा है और ये मैनेजमेंट पीछे से डर रही है। तो सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी देखते हैं कि कौन सी पर्टिकुलर कंपनी को जो ये पर्टिकुलर कंडीशन अप्लाई करना कंपलसरी है। तो इस केस में गाइस एवरी लिस्टेड कंपनी, जो जितनी भी लिस्टेड कंपनी है ना गाइस, उनको ये कंपलसरी है। फिर उसके बाद अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए गाइस 4 कंडीशन है, 25, 50, 100, 200। एक बार मेरे साथ दोबारा बोलेंगे, 25, 50, 100, 200। उससे पहले हमने CSR की लिमिट पढ़ी, ये 2 लिमिट इस पर्टिकुलर चैप्टर में इंपॉर्टेंट हैं। CSR की क्या लिमिट पढ़ी, 5, 500, 1000। 5, 500, 1000। 5 क्या होता है गाइस, नेट प्रॉफिट, और 500 क्या होता है गाइस, हमारा नेटवर्थ। 1000 क्या होता है, टर्नओवर। फिर यहाँ पर आते हैं इंटरनल ऑडिट में गाइस, 25 क्या होता है, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स। 50 क्या होता है गाइस, 50 क्या होता है, पेड अप शेयर कैपिटल। 100 क्या होता है, बोरोइंग्स, आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स। फिर 25, 50, 100 हो गया। 200 क्या होता है गाइस, टर्नओवर, ठीक है गाइस। हमेशा जितना भी जो पर्टिकुलर लिमिट है ना उसमें से जो सबसे बड़ा अमाउंट होगा वो हमेशा टर्नओवर का ही रहेगा। ये तो हो गया अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के लिए। फिर आता है प्राइवेट कंपनीज के लिए। प्राइवेट कंपनीज के लिए गाइस 2 ही कंडीशन है, या तो टर्नओवर 200 करोड़ हो या फिर आउटस्टैंडिंग लोन्स 100 करोड़ हो। ये 2 कंडीशन अगर फुलफिल करती हैं तो कंपनी को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंटरनल ऑडिटर वेदर इट्स कंपल्सरी टू दैट वेदर इट इज़ कंपल्शन टू अपॉइंट, जो हमारा जो इंटरनल ऑडिटर है ये जरूरी है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ही इंटरनल ऑडिटर हो। गाइस नहीं, ये कोई भी अकाउंटेंट भी, इवन अकाउंटेंट भी हो सकता है या मैनेजमेंट का कोई भी बंदा हो सकता है जो इंटरनल ऑडिट कर रहा हो। तो गाइस इसी के साथ हमने ये पर्टिकुलर चैप्टर ख़त्म करा, ये उसका एप्लीकेबिलिटी थी। तो ये हमने 138 पर अपना पूरा जो अकाउंट्स ऑफ कंपनी जो पूरे चैप्टर है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज करा। गाइस अगर स्लाइड्स आपको चाहिए होंगी तो आपको एक काम करना होगा, कमेंट सेक्शन में अपनी आईडी देनी होगी। सिर्फ अगर आप आईडी अपनी देंगे तो इमीडिएटली आपको जो स्लाइड्स हैं वो मिल जाएंगी, और ये स्लाइड्स काफ़ी अच्छी हैं गाइस, आपको एक बार रिवाइज़ करने में एकदम आपको कैची लगेंगी, एकदम इंटरेक्टिव लगेंगी, अट्रैक्टिव स्लाइड्स लगेंगी। तो प्लीज़ इन स्लाइड्स को ले लीजिए मेरे से। और अगर आपको वीडियो अगर गाइस पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप गाइस, मेरे को पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं वीडियोज़ को,
लेकिन वो कोई कमेंट नहीं करते, कोई लाइक नहीं करते, कोई डिसलाइक नहीं करते। गाइस अगर आप ऐसा मतलब अगर हमारे को आप जो है अगर लाइक्स डिसलाइक्स या कमेंट्स करेंगे ना, तो गाइस इससे बेनिफिट क्या होता है कि हमारे को पता लगता रहता है कि हमारी कहाँ यू नो स्टूडेंट्स को कहाँ यू नो डिफ़िकल्टी आ रही है समझने में, या कैसा हम यू नो हम अपना पूरा एफर्ट लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे। तो गाइस ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फीडबैक होता है, तो इसे प्लीज़ देना ना भूलिया कीजिए। प्लीज़ गाइस इसको पूरा ध्यान देकर इसके ऊपर पूरा एक बार क्या जाता है गाइस, एक बार छोटा सा कमेंट डालने में हमारे को पता लगता रहता है उससे कि हमारी परफॉर्मेंस कैसे हो रही है, हमारे को कहाँ इंप्रूवमेंट करनी है। तो गाइस थैंक यू वेरी मच गाइस आपका इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच गाइस। सो गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, आज जन्माष्टमी भी है, सो वेरी वेरी यू नो वेरी वेरी हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल माई डियर फ्रेंड्स। गाइस ध्यान से पढ़ें आप सब लोग, और गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।